नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपके जीवन में सभी खुशियाँ बनाए रखे और सारी खुशहाली आपके जीवन में मित्रों आती रहे, एक के बाद एक खुशहाली आती रहे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान श्री गणपति की उपासना से आपको क्या क्या लाभ हैं। वैसे तो ये विषय ही अपने आप में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश की उपासना से किसे लाभ नहीं है, ये सभी जानते हैं आप। और प्रथम पूज्य के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा भी नहीं है। उससे भी कोई अगर चीज़ छोटी है तो वही चीज़ है, क्योंकि भगवान श्री के बारे में बोलकर हमारी ही जीवा पवित्र होती है। हमारी ही जीवा को मौका चाहिए होता है कि हम भगवान के बारे में कुछ बोलकर अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बना सकें और जीवन में कुछ मुकाम को प्राप्त कर सकें। भगवान श्री गणपति को प्रथम पूज्य माना जाता है और इनके बारे में कई कहानियां हैं जो आप में से बहुत से सुधी जन सब जानते हैं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगी। आज सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि भगवान श्री गणपति का व्रत किन के लिए करना फायदेमंद है और इसके अलावा भगवान श्री गणपति की पूजा के क्या क्या लाभ हैं। मित्रों, प्रथम पूज्य को जब भी कोई शुभ मौका होता है तो निमंत्रित किया जाता है और उनको उनके आने से सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है कि विघ्नों का नाश होता है, क्योंकि इसीलिए उन्हें विघ्न विनाशक कहा गया है। तो विघ्न विनाशक की पूजा नाम से ही स्पष्ट है कि विघ्नों का नाश होगा, हर काम बिना किसी रुकावट के आपका पूरा होगा। प्रथम फायदा तो ये होता है। दूसरा, वो बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि के ज्ञाता हैं। उनकी उपासना से बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्धि और ज्ञान में बहुत फर्क है। बहुत से लोगों के पास बुद्धि होती है लेकिन वो बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती है। भगवान श्री गणपति से की पूजा से आपको अपने उद्देश्य पता चलते हैं और आपकी जो बुद्धि है वो उसी दिशा में कार्यरत हो जाती है, जिससे आपके मनोरथ न केवल सिद्ध होते हैं बल्कि आपको सफलता भी मिलती है। इसके अलावा ज्योतिषीय बात करें तो भगवान श्री गणपति को केतु ग्रह का देवता माना गया है। केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान श्री गणपति की पूजा का विधान है। लेकिन वर्षों से शोध करने के बाद, बहुत सी जानकारियां हासिल करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बोलूंगी कि गणपति की विविध रूप से आप पूजा करते हैं तो विभिन्न प्रयोजन आपके पूरे होते हैं। जैसे कि हल्दी के बने हुए गणेश जी अगर आप पूजा में रखते हैं, हल्दी के बने हुए अगर आप गणेश जी पूजा में रखते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, केतु ग्रह अच्छा होता है और बृहस्पति ग्रह भी आपके शुभ बन जाता है यदि कुंडली में कहीं पीड़ित हो। इसके अलावा हरे गणेश जी की पूजा मिथुन लग्न, कन्या लग्न वालों को विशेष लाभ देती है और धनु लग्न वाले और मीन लग्न वालों को भी राजयोग की सिद्धि देती है। कई तरह से उनके बिगड़े हुए कामों को बनाती है। हरे गणेश जी की पूजा करने से जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, जर्नलिज्म से जुड़े लोग हैं, जो मूलांक 5 वाले लोग हैं, उनको बेहतर और बेहतर रिजल्ट मिलते हुए देखे गए हैं और बहुत से लोगों को फायदा मिला है। लाल गणेश जी की पूजा से मंगल ग्रह की कृपा आप पर प्राप्त होती है। जिनकी कुंडली में योग कारक मंगल हो, कर्क और सिंह लग्न वाले लोग लाल गणेश जी की पूजा करें, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर मोंगा के बने हुए गणेश जी की भी आप पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। विभिन्न विषयों पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ग्रीन गणेश बेनिफिट मेरा एक वीडियो है, लाल गणेश जी वृश्चिक राशि को बचाएंगे, इस तरह के मैंने कई विभिन्न रंगों वाले गणेश जी पर वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा आप पारद के गणेश जी भी रख सकते हैं घर के अंदर। इसके अलावा आप क्रिस्टल के बने हुए गणेश जी भी घर में रख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, एक घर में 3 गणेश नहीं होने चाहिए। एक गणेश आपके मुख्य द्वार पर अगर आप लगाते हैं तो भीतर की तरफ भी मुख करते हुए गणेश जी लगाएं। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जब मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाए जाते हैं तो पीठ आपके घर की तरफ हो जाती है और इसके निवारण के लिए घर के अंदर एक इस प्रकार से गणेश जी की स्थापना की जाती है जिनकी पीठ आपके मुख्य द्वार की तरफ हो, जिससे सारे दोषों का निवारण हो जाता है। इसके अलावा कोई भी शुभ मौका हो, जब आप गणेश जी को कोई लेटर भेजते हैं, मतलब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके घर पर आए, तो इसका प्रोसीजर है, आपके जो नियरेस्ट गणेश जी के मंदिर हैं वहाँ पर न्योता देने का विधान होता है और उसके लिए बाकायदा पंडित जी वगैरह आते हैं, परिवार के लोग सब मिलजुल कर उनको न्योता देते हैं, ऐसा माना गया है। विवाह के अवसर पर भी विंदायक होते हैं, आपको पता ही है, और विंदायक जरूरी होता है। इसी प्रकार से जो गणेश जी का जो सिंदूर होता है, जब आप उसको माथे पर लगाते हैं तो सारी बाधाएं शांत होती हैं, सारे सब तरह के किंतु परंतु कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो जब भी गणेश जी के मंदिर में जाएं तो सिंदूर का तिलक आप अवश्य ही लगाएं। गणेश जी को सिंदूर और मोदक और जो वर्क होता है वो विशेष प्रिय है। डंडा भी बजाया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन, ये आपको पता ही है। तो गणेश जी की पूजा के अनगिनत फायदे हैं। सामान्य तौर पर जो कई जगह मंगलवार को गणेश जी की जैसे पूजा होती है, लेकिन सामान्य तौर पर जो राजस्थान में मैंने देखा है, बुधवार के दिन ही गणेश मंदिरों में मेला भरता है। जयपुर में मोती डूंगरी के गणेश जी की बहुत मान्यता है, मैं स्वयं उन्हें बहुत मानती हूँ और अनेकों बार भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि मैं शब्दों
के द्वारा उसको व्यक्त ही नहीं कर सकती हूँ। जब जब कोई संकट आया है, प्रभु ने ऐसे उबार लिया है, ऐसे उबार लिया है और रास्ते बना लिए हैं कि मैं बिल्कुल उनके आगे नतमस्तक हूँ। और जब भी आप जयपुर आएँ तो जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी जो हैं उनके दर्शन अवश्य ही करें। बहुत चमत्कारिक मंदिर है, भगवान का बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही अद्भुत आनंद की आपको अवश्य ही प्राप्ति होगी जब भी आप जयपुर आएँ। तो बाकी जो भी नया वाहन वगैरह खरीदते हैं, जब तक कि वो किसी गणेश मंदिर में ना लेके जाएं तब तक उस काम को अधूरा माना जाता है। जब तक गणेश जी की कृपा, गणेश जी के मंदिर के जो लोग होते हैं वहाँ पर वो गाड़ी की आरती वगैरह उतारते हैं और तिलक वगैरह लगाकर रक्षा सूत्र वगैरह बांधते हैं तो बड़ी कृपा प्राप्त होती है। मैंने स्वयं जब दो कार खरीदी, दो कार है इस वक्त मेरे पास में, तो दोनों कार बारी बारी से, एक और थी वो मैंने निकाल दी थी, मतलब एक्सचेंज कर ली थी, तो मैं भी उनको लेकर गणपति बप्पा के मंदिर गई और वहाँ जाकर मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस तरह से जब भी आप कोई नया वाहन खरीदें तो ज़रूर आप गणपति बप्पा के मंदिर जाएँ और उनका आशीर्वाद अपने वाहन को भी देवें, जिससे कि आपका वाहन भी आपको आपके काम को आगे बढ़ाए और आपको तरक्की दिलाए। तो इस तरह से भगवान श्री गणपति का जो नाम है वो अपने आप में बहुत चमत्कारिक है। गणेश चालीसा का नियमित पाठ करने से विद्यार्थियों की बुद्धि प्रखर होती है, उनका अपने काम में मन लगता है। जो लोग अपने व्यवसाय स्थल पर गणपति की स्थापना करते हैं उनका व्यवसाय दिनों दिन आगे बढ़ता चला जाता है। जिस घर में गणपति की स्थापना नहीं होती है वहाँ कोई ना कोई दोष अवश्य ही पनपता है। और कई बार ऐसा कई घरों में देखा है कि उनके मुख्य द्वार पर कई वर्ष हो जाते हैं लेकिन गणपति की स्थापना तक नहीं हो पाती, तो उस घर में भी तरह तरह के संकट आते हैं। तो इसलिए शुभ मुहूर्त में जब भी आप कोई नया मकान लेते हैं तो गणेश जी की स्थापना जरूर करें। और जिस तरह से मैंने बताया कि पीठ आपके घर की तरफ होगी तो भीतर की तरफ भी आपको एक गणपति को जरूर रखना चाहिए। आपके जो मंदिर है उसमें आपने जो गणेश जी रख रखा है वहां पर जो गणेश जी आप रखते हैं तो उनको आप जो अन्य तस्वीर के साथ है उनको काउंट ना करें। बेसिकली एक से अधिक मूर्ति आपके पूजा स्थान में गणेश जी की नहीं होनी चाहिए, ये बात बताई जाती है। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है, बेनिफिट होता है, पैसा आता है घर के अंदर और तरक्की होती है। तरह तरह से गणेश जी को आप दूर्वा के साथ चावल चढ़ाते हैं तो रोजगार में भी उन्नति होती है, पदोन्नति होती है। तो इस तरह से गणेश जी की पूजा के अनगिनत लाभ हैं। जो लोग बुध ग्रह को स्ट्रांग करते हैं, वैसे सामान्य तौर पर बुध ग्रह के देवता विष्णु भगवान को माने गए हैं लेकिन लोग बुधवार को भी व्रत करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप गणेश जी की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की भी पूजा कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक देवताओं की पूजा करने से कभी कोई किसी का बुरा नहीं हुआ है बल्कि अच्छा ही हुआ है, लाभ ही हुआ है। तो इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा गणपति की जब भी आप पूजा करते हैं तो मूषक की भी जरूर पूजा करनी चाहिए। मूषक के कान में कुछ बोल देने से ऐसा माना गया कि वो काम मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि मूषक जो है भगवान श्री गणपति की सवारी है और मूषक राज की पूजा से भी समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। जब आप मुख्य द्वार पर गणेश जी रखते हैं तो रिद्धि सिद्धि माता के साथ में जरूर रखें, ऐसा करने से घर में बरकत और उन्नति बनी रहती है। तो देखा ना आपने भगवान श्री गणपति की पूजा के कितने फायदे हैं। इसके अलावा जो हर महीने चौथ आती है, गणेश चौथ आती है, उस पर भी कुछ लोग व्रत करते हैं जो कि गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करते हैं। और इस तरह से भगवान श्री गणपति की पूजा के अनगिनत लाभ हैं जिनको कि एक वीडियो में समेटना तो संभव क्या नामुमकिन ही है। और जब आप स्वयं भगवान श्री की पूजा करेंगे और करते ही होंगे तो आपने स्वयं परखा होगा कि आपको कितना ज़्यादा लाभ हुआ है। बेसिकली जो जिनका मूलांक 5 है, जिनका मिथुन और कन्या लग्न है, उनको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान श्री गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके मनोरथ जल्दी सिद्ध होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि हर किसी को किसी खास भगवान का इष्ट होता है। तो जो जिनका मिथुन लग्न और कन्या लग्न होता है उनको भगवान श्री गणपति का इष्ट होता है और उनको जरूर इनकी पूजा उपासना करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।